मेरा तो राष्ट्रीय जनता दल में मेरा अधिकार है टिकट मांगने का, जो जिसको मैं खेती कर रहा हूँ तो उस खेती में मेरा अधिकार ना है, हम दूसरे के जी खेती में क्यों जाऊं। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से दावा करता हूँ और दावा भी करूंगा। अब मेरे पर ऊपर लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी बाबू को, भाजपा वाले ने बोले कि हम गरीबों के 15-15 लाख रुपया नौकरी दूंगा, जी तो कहाँ भाजपा वाला दिए। यहाँ तो फोकस करके अब अपना आम जनता, पब्लिक, सामाजिक जो सीधा साधा भोला जनता होता है उसे ठगने का काम। जंगल राज कहाँ है? जंगल राज है कहाँ? नौकरी दे ही रहे हैं। और कोची जो आम पब्लिक का जो समस्या रहता है उस समस्या को सुनवे करते, तो जंगल राज कहाँ है? वो तो भाजपा वाला एक देख रहा है कि कैसे तेजस्वी और चमक रहे हैं, कैसे हाँ। बिहार को चमकाने का काम कर रहे हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ अनिल पासवान, हम राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश के महासचिव हुए, और आज जो प्रेस का जो नियम होता है, जो मुझे पीसी लिया जा रहा है, आज राष्ट्रीय जनता दल में हम आज 25 साल से सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, और पूर्व में मखदुमपुर विधानसभा से मैं टिकट का भी दावेदारी करता हूँ। और कोई भी दलित गरीबों की कोई समस्या आता है तो सबसे पहले मैं खड़ा उतरने का काम करता हूँ। जैसे उदाहरण है कि एक बार दलित टोला में परसौना गांव में एक बार बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, उसमें जाके हमने अपना प्रदर्शन किए थे और लोगों में एक साहस दिए थे कि कभी भी आप लोग घबराने का काम नहीं कीजिएगा, अनिल पासवान आपके लिए खड़ा रहेगा एनी टाइम 24 घंटा। मैंने उसमें जाकर फिर जहानाबाद के एसपी को मैंने बोला कि इस समस्या है, इस समस्या को प्रशासन के माध्यम में हम अपना बात को रखे, और कभी भी जनता के बीच में कोई भी समस्या हो, मखदुमपुर का हो चाहे पूरे जहानाबाद जिला के समस्या हो, हम अपना सामाजिक रूप से और सामाजिक कार्यकर्ता के भावना से मैं सामाजिक सेवा करते रहता हूँ। कोई भी 12 बजे भी रात में, 11 बजे भी रात में, कोई भी बीमारी हो चाहे कुछ भी तरह के घटना हो तो उसमें मैं खड़ा उतरने का काम करता हूँ। सर, किस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं सर? हम मखदुमपुर में, मखदुमपुर विधानसभा से मैं फाइट करता हूँ। अब 15 साल से मैंने फाइट कर रहा हूँ माननीय सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी। जी जब मैं रांची में भी टिकट मांगने गया था, वो जेल में थे, बोले थे कि तुम अच्छा कार्यकर्ता हो, तुम्हारे हम भावना को रखता हूँ, बाकी लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी जी को मेरे पर आशीर्वाद है, कभी न कभी मखदुमपुर विधानसभा से हमको लड़ाने का काम करेंगे। वो जानते हैं कि सामाजिक एक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक चीज लालू प्रसाद और तेजस्वी जी ही मेरा एक चीज पहचान है। तो सर, आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़िएगा सर? हाँ, आरजेडी से टिकट से चुनाव लड़ूंगा। आरजेडी सर, आरजेडी से आप चुनाव लड़ेंगे तो जी आरजेडी आपको टिकट क्यों दे, जबकि ऑलरेडी आरजेडी के यहाँ से विधायक हैं? सुनिए, आरजेडी इसलिए टिकट देंगे हमको कि हम सामाजिक सेवा में करते रहते हैं। हम एनी टाइम आरजेडी के लिए, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे धरना हो, चाहे कुछ भी समस्या हो, मैं सबसे पहले, मेरा तो राष्ट्रीय जनता दल में मेरा अधिकार है टिकट मांगने का, जो जिसको मैं खेती कर रहा हूँ तो उस खेती में मेरा अधिकार ना है, हम दूसरे के जी खेती में क्यों जाऊँ। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से दावा करता हूँ और दावा भी करूँगा। अब मेरे पर ऊपर लालू प्रसाद यादव जी के और तेजस्वी बाबू को आशीर्वाद है। क्या विजन है सर? विजन क्या है, किस मोटो को लेकर चुनाव में कूदे हैं आप? विजन यही है कि मैं दलितों के बीच में मैं कूदने का काम करता हूँ, कोई भी समस्या हो मैं खड़ा उतरने का काम करता हूँ। जो सिर्फ समाज, दलितों के लिए लड़ते हैं आप? दलित, महादलित, कोई भी जात हो, हम बैकवर्ड पूरे के लिए सर? बैकवर्ड के लिए मैं पूरा लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। मेरा इतिहास रहा है जहानाबाद में, मखदुमपुर में, कि कोई भी समस्या रहता है तो मैं खड़ा अच्छा, उतरने एक का बात काम। ही बताइए कि आप दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जो है लोजपा भी है, जी चिराग पासवान जी, जी आप उनके साथ होकर के काहे नहीं काम करते? लोजपा में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि लोजपा पार्टी है जो
वो दलितों का पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी नहीं है। दलित है, बाकी उनके पास दलित को पहचान कभी भी आप पूछिएगा उनको दलित के पास के वो उनको पास आदमी रहता है जो। तो आपके कहने का मतलब कि चिराग पासवान दलित है लेकिन दलित के लोग उनके पास में नहीं है। सर आपका ग्राउंड रूट पे जो आरजेडी के बैनर तले आप काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं? आज हम 25 साल से काम कर रहे हैं इस पार्टी में। 25 साल से काम जी, कभी भी इच्छा नहीं हुआ चुनाव लड़ने का? इससे पूर्व में तो हम फाइट करवे करते हैं। एक बार हम जिला पार्षद भी हम लड़े थे, हम अपने क्षेत्र से भाग दू से, उसमें मात्र हमको 2 वोट से मैं हारा था, मुझे हराया गया था। सर अभी तेजस्वी यादव पर ईडी का छापा पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? तेजस्वी बाबू का छापा इसलिए पड़ रहा है कि एक दलितों और गरीबों का और एक सामाजिक जो उनका पुत्र है लालू प्रसाद यादव जी, जो कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने वाले, उस मुद्दा को, चाहे आरक्षण का सवाल हो, तो सबसे पहले तेजस्वी बाबू और लालू प्रसाद यादव जी आवाज देने का काम करते हैं कि जो देश से आरक्षण हटाएगा सबसे पहले लालू यादव का खून बहा होगा, तब हम देश से आरक्षण हटने नहीं दूंगा। अच्छा, अगर नेता है कहते हैं कि बिहार में सुनवाई दवाई और कार्रवाई की सरकार है, तो कार्रवाई दवाई तो सब हो ही रहा है। स्वास्थ्य विभाग में चल जाइए, पहले पूर्व में भी सरकार थी तो उसमें तो आज हॉस्पिटल में चल जाइए, शिक्षा विभाग में चल जाइए, कोई विभाग में चल जाइए, और तेजस्वी बाबू का देन है कि आज बिना मुखूब होकर और वहाँ पर रिपब्लिक अपना काम बिहार करते हैं। बेरोजगार है सर, क्या कर रही है? बेरोजगार तो हाल ही में देखने किए कि तेजस्वी बाबू 1.5 लाख का नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए, 10 लाख का जो भावना किए हैं वो 10 लाख पूरा कर देंगे। उनमें उमंग है कि मेरे शिकायत अगला चुनाव में मेरे नहीं हो कि जनता के बीच में मैं ले जाकर इस बात को रखूंगा, और वादा किए थे। सर आप जहां से मतलब चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं वहां से वर्तमान में आरजेडी के ही विधायक सतीश दास, आपको टिकट क्यों मिले? आरजेडी इसलिए टिकट मिले कि सतीश दास जी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो अपने दूसरे जिला में पढ़ते थे, समझ गए। लालू यादव जी को जो मामला भावना रहा कि कौन आधार पर उनको टिकट दिया गया, बाकी जितना मैंने अपने पार्टी की ओर से मैं काम किया हूँ वो आज आम जनता मेरे, अब आम जनता भी, मखदुमपुर के आम जनता भी, पब्लिक जानता है कि एक बार अनिल पासवान की भी मौका मिला जाए। क्या संदेश दीजिएगा? संदेश दूंगा यही कि जब मुझे टिकट मिलेगा तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक रूप में जो जमीनी से मैं उठ के आया हूँ, उस चीज को जनता के बीच में भावना अच्छी सी काम करूंगा। सर यार वीडियो अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं तो क्या कहिएगा उनके लिए? लालू प्रसाद यादव जी आज वीडियो पर देख रहे हैं कि तेजस्वी बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने रूप में जो काम किए हैं, आज उनका भावना रहता है दलितों और गरीबों के विचार को कि मेरे दलित गरीब पर कुछ भी अत्याचार नहीं हो, मैं उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। सर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह पटना में आए और बोले कि बिहार की लोकल पार्टियों को खत्म कर देना है। गृह मंत्री जी तो यहाँ बिहार में वे किए, तबरी भी पूर्व में भी भाजपा वाले ने बोले कि हम गरीबों के 15-15 लाख रुपया नौकरी दूंगा जी। तो कहाँ भाजपा वाला दिए, यहाँ तो फोकस करके अब अपना आम जनता पब्लिक सामाजिक जो सीधा साधा भोला जनता होता है उसे ठगने का काम करते हैं। कुछ भी नहीं, बिहार में जो आरजेडी है, जो सामाजिक न्याय का जो आरजेडी पार्टी है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार सरकार जो सरकार बनी है दवाई और कार्रवाई की सरकार है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये जंगल राज है, जंगल राज 2 है। जंगल राज तो बीजेपी करे हुए है, जंगल राज कहाँ है? स्वास्थ्य होके पूरा हम तो बोल ही रहे हैं कि हॉस्पिटल में चल जाइए, थाना में चल जाइए, आम पब्लिक के बीच में जाइए, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जंगल राज कहाँ है? ये वो जंगल राज होता है कि जंगल में अथी कर दिए और उसको बाद भावना को अपना रखें, बाकी वो चीज़ तो जंगल राज लालू प्रसाद यादव जी तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी अभी भी आम जनता भी 10 नंबर में चल जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी इतना तबीयत खराब होते हुए भी खाली सुन लेते हैं कि आम जनता में राय ले, तो अपना समस्या को सुनते हैं और बात को रखते हैं। अनिल जी कहने का मतलब ये है कि आपको अगर टिकट मिल जाता है तो पब्लिक के बीच में कौन सा मुद्दा को लेकर के जाएंगे? पब्लिक के बीच में मुद्दा लेके जाऊंगा
सिंचाई का जो मामला है, फिर आपको शिक्षा का मामला है, आपको स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य में जो विभागीय जो काम होता है वो चीज को मैंने इस बात को रखूंगा, सिंचाई का मामला है आम पब्लिक का, वो हम अपना काम करेंगे। आपको लगता है कि इन चीजों की बिहार में अभी कमी है, सरकार ने भी ये सब काम नहीं किया है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, तो आपको लगता है कि सरकार अभी इन मुद्दा पर काम नहीं किया? अभी जो गठबंधन के सरकार चली है तेजस्वी बाबू के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अभी स्वास्थ्य सिंचाई विभाग में चाहे शिक्षा विभाग में बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब अपना चाहते हैं तेजस्वी बाबू कि मुझे सुधारने का काम करूंगा, और जो मौका मिल रहा है वो अपना काम करने का अपना विभाग में काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है, क्या कहेंगे? जंगल राज कहाँ है, जंगल राज है कहाँ, नौकरी दे ही रहे हैं। और कुछ जो आम पब्लिक का है जो समस्या रहता है उस समस्या को सुनवे करते, तो जंगल राज कहाँ है? वो तो भाजपा वाला एक देख रहा है कि कैसे तेजस्वी बाबू चमक रहे हैं, कैसे बिहार को चमकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा लोगों को जलन हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी की सरकार में नीतीश जी के गठबंधन के साथ जो है दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार बढ़ गया। कभी भी नहीं, दलित को जहां मामला होता है तेजस्वी बाबू लालू प्रसाद यादव जी खड़ा उतरने का काम करते हैं। अभी आरक्षण का बात हुआ, लालू प्रसाद यादव जी बयान दिए, सब कुछ बोले, प्रदर्शन हुआ कि आप क्यों आरक्षण हटाए, आरक्षण आप दिए नहीं तो आपका अधिकार क्या है छीनने का। एक आखिरी सवाल सर, अपने विधानसभा की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? विधानसभा जनता के लिए यही कहूंगा कि जो अपने जो बात को जो समस्या होता है वो चीज को हम अपने विधानसभा में उतारने का काम करता हूँ, और अभी तो हम कोची कर सकते हैं। बाकी जनता, मखदुमपुर के जनता चाहती है कि अनिल पासवान के लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी बाबू एक बार टिकट दें। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपको लगता है कि इस बार 2025 में तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? हमको तो जो जैसा सामाजिक न्याय का काम कर रहे हैं तेजस्वी बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तो 25 में उनको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर नीतीश जी कहां जाएंगे? नीतीश बाबू को तो वो तो वादा करके अपना आईवे किए थे। नीतीश बाबू तो वादा करके आईवे किए थे कि हमको 6 महीना सरकार को अति कर लीजिए, फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मतलब नीतीश जी को अब संन्यास लेना पड़ेगा या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बनेंगे? नहीं, संन्यास तो अब तो अगला जो रास्ता होगा सर वो अब तय करेंगे। अब तो बड़ा नेता हम ना है कि उनको आगे चल करके 2025 में आप कंफर्म है कि वो ये जेडीयू के साथ ही आपकी गठबंधन रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी भाजपा के साथ जाने वाले? अब ऐसा है सर कि उसमें बड़ा बड़ा नेता है, हम छोटा कार्य करता है। अब उनको क्या निर्णय लेंगे, लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी क्या निर्णय लेंगे, अब वो जो निर्णय लेंगे हमने छोटा कार्य करता हूँ उस चीज को पालन करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना हम लोगों की तरफ से। आप 2025 में मखदुमपुर विधानसभा या जो भी रिजर्व सीट है वहां से आप विधायकी के रूप में आप अपनी दावेदारी को प्रस्तुत